माता के बहुत अच्छे दर्शन हुए और बड़ा ही अच्छा लगा मंदिर में आकर, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है। यहाँ मेरे सामने देखो, यहाँ लोग जो है सफ़ेद चूहे को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों हम चल रहे हैं कैमल रिसर्च सेंटर, सीधा यहाँ से है 30 किलोमीटर। दोस्तों ये है सामने कैमल रिसर्च सेंटर और अभी बजे हैं 12:30। हम पहुंच गए यहाँ पर और यहाँ पता लगा सिक्योरिटी से कि ये खुलेगा 1:30 बजे। तो यहाँ कैमल के ऊपर रिसर्च करते हैं तो अभी 1 घंटा है खुलने के अंदर और गर्मी बहुत है, तो यहाँ पर कहीं ऐसी जगह भी नहीं है कि 1 घंटा वेट करा जाए। तो हम सीधा जो है अब बीकानेर जा रहे हैं जूनागढ़, वहाँ से एंट्री होती है जो कि गेट बंद है और ये टिकट के रेट वगैरह लिखे हुए हैं। अगर कोई बंदा यहाँ पर विज़िट करना चाहता है तो इसको पोस्ट करके देख लें कि टिकट कितने की और क्या है। अंदर है पार्किंग, बाहर नहीं है। दिल्ली से भैया आ जा, हटियो ये कैमरा। ये देखो सामने जो है ना हाथों के जो निशान है तो छाप लगा रखे हैं, ये सती माता के होते हैं, जो पहले सती होती थी उनके ऐसे हाथ बना दिए जाते थे दीवारों पर। ये देखो लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा इस टाइप से। चलिए सबसे अंदर वहाँ है पर्ची। कहाँ गई आई, कहाँ से सैम लगा दूँ। मनोज ठंड बहुत हो रही है, हैं ज़्यादा ठंड है ना, स्वेटर पहन ले, जैकेट पहन ले। तो घर से लेके आया था, आप भी तो ले जा रहे थे, आपको आपने क्यों नहीं पहनी, क्या नहीं पहनी जैकेट। मेरे को तो गर्मी लग रही थी, तू आया था घर से जैकेट लेके स्वेटर लेके, घर वाले कहेंगे जैकेट स्वेटर ले गया और गर्मी में चला गया। आप अभी भैया मोड़ी आदमी है ना, मजा आ नहीं आ रहा लोता है, मजा आ रहा नहीं आ रहा था, मजा आ रहा है। जूनागढ़ फोर्ट के अंदर एंट्री करने वाले हैं, यहाँ हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है और यहाँ का जो एंट्री का जो रेट है वो 50 रुपये पर पर्सन है। और अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं किसी के कैमरे से या मोबाइल से उसका 150 रुपये चार्ज है। और अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हो स्टिल फोटोग्राफी तो उसका कोई चार्ज नहीं है। और अगर आप गाइड लेना चाहते हो तो वो 300-350 रुपये मांगते हैं, बाकी वो 200-250 के अंदर मान जाते हैं। तो ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखना, मैं आपको ये बात नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये है जूनागढ़ की एंट्री, जूनागढ़ फोर्ट की एंट्री, यहाँ से अंदर जाकर टिकट मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये है दोस्तों जूनागढ़
फोर्ट की एंट्री, ये जो है ग्रुप के अंदर भेजते हैं और ग्रुप में ये गाइड भी शायद प्रोवाइड करते हैं, टिकट के जो रेट है उसी में इंक्लूड कर रहता है ग्रुप में। गाइड हमारा जो है आगे चला गया ग्रुप को लेके और हमने ध्यान नहीं रखा, देखते हैं आगे कहीं रास्ते में मिलेगा गाइड तो फिर जाके हम गाइड से कॉन्टेक्ट करके तब देखते हैं। जुगल सिंह राठौर लूना सर, गाइड हम 30 साल से हैं बीकानेर फोर्ट के अंदर, प्राइवेट ट्रस्ट के गाइड हैं। चले अंदर चले, अंदर चले, हाँ आगे चलो। होली के लिए एक कलर फेस्टिवल होता, महल को बनने में 350 वर्ष लगे, 16 पीढ़ी की शासनकाल में ये महल बना है। राव बीकाजी पहले राजा थे जिनके नाम बीकानेर शहर का नाम है। 1545 में राव बीकाजी ने बीकानेर शहर को बसाया। राव जोधा जी के बड़े लड़के थे, जोधा जी के नाम जोधपुर है। 5 राजा बीकानेर शहर में रहे। राती घाटी जैन टेम्पल है। 6ठे राजा ने इस महल का निर्माण राजा राय सिंह ने 1488 में स्टार्ट किया और गंगा सिंह ने कंप्लीट 1937। लास्ट राजा साधुल सिंह जी 1947 तक रहे। 1950 में देश आज़ाद हो गया था। सरदार पटेल को सबसे पहले बीकानेर रियासती शायन किए। रॉयल फैमिली अभी लालगढ़ है, उनका ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का नहीं है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। लास्ट महाराजा की बेटी जो सिद्धी कुमारी जी एमएलए है बीकानेर पूरी फिर से 3री बार। 1631 का है, अंदर शिलिंग वुडन है, बाहर गोल्ड पेंटिंग है। लोकल आर्टिस्ट है बीकानेर के जो उस्ताद अगला है, आज भी हमारे बीकानेर में ये काम करते हैं उस्ताद। देखने के लिए आप जरूर के देखेंगे, इसमें हिंदू और मुगल आर्ट है, यहाँ के राजा हिंदू राठौर थे। आर्किटेक्चर मिक्स देखेंगे, बड़े जरूर के मुगल स्टाइल है, राउंड वाले प्लेन वाले हिंदू आर्ट है। नेट 100 ये रोल, नौकर के बैठने के लिए झुरोगा बनाए गए, यहाँ से डोरी डाल दी जाती, रस्सी से नौकर यहाँ बैठ के खींचता था। ये पेंटिंग बनी है राव जोधा जी के बड़े लड़के थे राव बीका जी, तो जोधपुर से ये बीकानेर आ रही। कुछ कारण से वहाँ नाराज हो गए थे, कुछ दरबार लग रहा था उसमें किसी ने कह दिया, तो नया शहर बसाने का स्कीम आ गया, तो उन्हें बीकानेर शहर बसाया। पहले वाले गुस्से में कुछ करके दिखा देते, आदमी गुस्से मर के दिखा। तांबे के देख हैं, मिट्टी लापसी बनाई जाती, माता जी का भोग लगता। दक्षिणा संघ महोर सोने की पेच है, कटारे हैं, सोने के कुंदन का काम किया हुआ है, सोने की मुठ का काम किया हुआ है। सिंह जी राजा का दरबार, दीवाने खास, प्राइवेट कॉन्फ्रेंस होल्डा, पूरे मेले में सोने का काम किया है, अभी तक कोई दोबारे काम नहीं हुआ है। 1669 का है, 1600 मुरान ग्लास कालीन लगे हैं, कालीन आप देख रहे हैं, बीकानेर जेल के कैदियों के बनाए गए। 100 ये रोड, 100 साल पुराने हैं, आज भी कैदी लोग काम करते हैं जेल। ये लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति है, साउथ से लेके आए थे गोलकुंडा हैदराबाद से, यहाँ के 10वें राजा अनूप सिंह जी गोलकुंडा किले को जीता। 80 किलो सोना संस्कृत के ग्रंथ हिंदू देवता की मूर्ति लेके आए, संस्कृत लाइब्रेरी लालगढ़ में आज भी। सितार और वीणा है, राजा को गाने बजाने का बड़ा शौक था। राजा ने ये बादल महल बनाया, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, नीचे बारिश की पेंटिंग दिखाई। ये बिगर बिजली का एक कूलर देखेंगे, पुराना ये टेक्नोलॉजी है। इस टैंक में पानी डाल देते, वाल लगाए किनारे पे, खोलते ये ब्लेड में पानी की फुहारे बूंदे निकलते, पानी यहाँ नीचे की तरफ यहाँ जाता। कड़िए लगी है, हाथ के पंखे होते, नौकर बैठ के डोरी से खींचता, साइड के दरवाजे बंद कर देते, सामने खोल देते, यहाँ से हवा बन के उधर राजा के महल तक जाते। बिगर बिजली का एसी है, एयर कंडीशनर। तो आपने राजस्थान के कई महल देखे होंगे, महल बड़े हैं, महलों के रास्ते आप छोटे देखेंगे, तो महल में कभी हमला या अटैक हो जाता, एक साथ सेना नहीं जा सकती, इसलिए महल के रास्ते छोटे बनाए जाते। कभी हमला होता, एक सैनिक गेट पर खड़ा रहता, पूरी फौज को काबू कर लेता, इक्की का गर्दन काट देता, इसलिए छोटे रास्ते बनाए जाते। अभी कोई नहीं है, डरने की बात नहीं है, रामशाही आगे में चलो। अच्छा पूर्ति हनुमान जो भागो मिलेगा, यहाँ की 17वीं सदी में महाराजा तुलसी सिंह जी भट्टेर के किले को फतेह किया था, इनके नाम हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, जो हनुमानगढ़ जिला है, तो मंगलवार के दिन फतेह किया, इनके नाम हनुमानगढ़ रखा गया, इनके नाम से हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तलवार किले बाले देख रहे हैं, नंगे पाँव मारते हैं, सिद्ध एक जाति है उनको भगवान का वरदान, तो इनपे नंगे पाँव विदाउट सूट डांस। आज भी जनवरी में ये प्रोग्राम केमल फेस्टिवल होता था, कोरोना काल में ये बंद होकर दिया था, अभी मार्च को 6-7-8 मार्च को हुआ था। बगीचे का
पार्ट है, ये बगीचा है, शिव जी का एक मंदिर, शिवलिंग देखेंगे, हाथी रखने के लिए छोटी जो बाउंड्री है, बड़ा गेट देख रहे हैं उस सेना की बारीकें थी, सैनिक लोग रहते हैं सामने, ओपन गेट और तोपखाना है, बड़ा बिल्डिंग है सामने वाली, वो प्रिंटिंग ब्रिज तक सीढ़ी वाली, वो शाही जेल है, रॉयल फैमिली में कोई बगावत करता हो जेल में रखते। ये धरातल किला है ये राजस्थान का, बाकी के लिए आप खाड़ी और टीले पे देखे हैं। सुरक्षा के लिए इनकी चारों तरफ खाई बनी है, 35 फीट चौड़ी है, 25 फुट गहरी, कोई किले के अंदर प्रवेश नहीं करे। बैठ के पाई छोटे बनाए जाते, हाइट में पलंगू कम रखते, आधे पांव घुटनों तक के बाहर रहती जमीन पे, अगर कोई दुश्मन बांध दे या टाइट कर दे पलंग सहित खड़े हो जाते। जोधपुर के राजा रणमल सिंह जी अपने भांजे के गारदार बन के थे चित्तौड़ के किले में, उनको पलंग के ऊपर बांध के खत्म कर दिया था। उसके बाद राजस्थान में जमी जाओगे उनके बैट छोटे देखेंगे, क्योंकि घर के दुश्मन होते बाहर के नहीं, घर का वेदू लंकाए। डॉक्टर्स बैन बेटियों में देखने के लिए ओपन विंडो है, बंद हो रानियाँ जरोगों में देखती, पर्दा सिस्टम था मुगलों के टाइम। तो 20वीं महाराजा डूंगर सिंह का महल है ये, 18वीं सदी का है। तो महाराजा डूंगर सिंह जी जब जिंदा थे, इनकी महारानी रानी राजा की शक्ल देख के खाना खाती, तो महाराजा का ध्यान तो गया अपने लड़के गंगा सिंह का, तुम्हारे पिता का अस्थि चूक किले के ठीक सामने बनवाया जाए। तो मैन गेट के बाहर बड़ा मूर्ति बनी हुई है, रानी महल से बने स्टेचू का दर्शन करके खाना खाती थी। 1914 का है, फर्स्ट लिफ्ट ऑफ राजस्थान, गंगा सिंह जी इंग्लैंड से लेके आए थे इलेक्ट्रिक लिफ्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वार महाराजा गंगा सिंह गिफ्ट में दिया हुआ जर्मन की मशीन गन है। राजस्थान में एक कहावत है, दूसरे खंधे पे रख के बंदूक चला। फर्स्ट पेन है ये बीकानेर का, गंगा सिंह जी इंग्लैंड से ले गया है 1914 का। महाराजा गंगा सिंह की फोटो है, फादर बड़े उनके फादर की फोटो, लाल सिंह जी बड़े भाई डूंगर सिंह, महाराजा गंगा सिंह की लड़की था चांद कंवर। दीवाने खास खास मेहमानों के लिए चंदन का ये थ्रोन है, सैंडलवुड का है, 1200-1800 वर्ष पुराना है। इतना पुराना थ्रोन किसी किले में नहीं मिलेगा, 800 ईयर ओल्ड। कनौज से ये मारवाड़ जोधपुर बीकानेर सबसे पुराना थ्रोन है, मंत्री और सलाहकार बैठते हैं। ये कॉन्फ्रेंस हॉल था, 35 फीट हाइट है इसकी, 80 फुट लंबा है, 31 फीट चौड़ाई है, सीलिंग मॉडर्न है, मुरानो सेंडल लिए लाइट लगे, क्लोज विंडो देख रहे हैं रानियाँ देखती खुले में बहन बेटियाँ। बड़े वो तीर हैं छोटे वाले तुक्के, राजस्थान में काहुते लगे तीर नहीं तुक्का ही सही, तीर में तुक्का लगना कोई काम अचानक होना। 56 किलो का बख्तर है, 3 का वेट का, युद्ध में पहनी जाती 3 को मिला के जरा बख्तर कऊ चौतर ड्रेस। जो हमारे गाइड साहब ने बताया आपने वो चीज़ देखी समझी होगी। मैंने ब्लॉगिंग यहाँ पर इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे यहाँ का कुछ पता भी नहीं था और ना यहाँ पर कोई हिस्ट्री लिखी हुई है कि जो मैं आपको पढ़ के बता देता, तो इसलिए हमने गाइड किया था। तो जो जिन्होंने अच्छी तरह आपको समझाया और ये बताया जिससे आपको कुछ चीज़ समझ में आई होगी, तो और अगर नहीं समझ में आई है तो आप एक बार गूगल भी कर सकते हो, तो हो सकता है उसमें ज़्यादा बेटर पता लग जाए आपको।